सबके भाग्य खुल गए। आज स्वयं परी माता ने हमारा भुट्टा खाया है। चिंटू की मम्मी, आप भी भुट्टा खाएंगी? भुट्टा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब भुट्टा खाओ, सब भुट्टा खाओ। माता का आदेश है, सबको भुट्टा खाना चाहिए। हाँ हाँ, सब लोग भुट्टा खाएंगे। भुट्टा खाने से माता का आशीर्वाद बना रहेगा। अंतरिया में भुट्टा खाओ परी माता की। तो माता के डिमांड से दरबार खत्म होने से पहले हम माता का भक्ति भजन करेंगे। नहीं कुछ 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 नहीं, नहीं भजन करना है। भजन का नाम है नहीं। बोलो 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 नहीं। माता के दरबार में किसी को कष्ट मिलेगा। बोलो 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 नहीं। कोई बिना मुंह धोए सेल्फी लेगा। बोलो 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 नहीं। सासू माँ को घर में घुसने मिलेगा। बोलो 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 नहीं। कसुम डार्लिंग। हाँ। ये बात सच है, भगवान जब भी देते हैं ना चप्पल फाड़ के देते हैं। पूरे एक साल की कमाई दो दिन में, वो भी एक साथ। अगर ऐसा चलता रहा ना डार्लिंग, तो हम कुसुम के पति से करोड़पति जल्दी बन जाएंगे। सही बात है डार्लिंग, आज पता चल रहा है कि दहेज में तुम्हारे नाम की जो पनौती आई थी ना, आज जाके खत्म हुई है। परी माता का आगमन और हमारा भाग्य उदय हो गया। दान में आया सामान और पैसा ना गरीबों को बांटने के लिए होता है। तुम काहे इतना खुश हो रहे हो? हाँ, सासू माँ के चक्कर में इस देश में हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा। और कब तक हम उधारी की जलेबी खाते रहेंगे यार? अपना खाना हमको। अरे डाली, हम गरीबों में भी बांटेंगे, उनका भी भला और हमारा भी भला। कमाल हो गया, कमाल हो गया। हाथ उठाओ, अंतर्यामी परी माता का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अपनी खबर, परी माता की खबर। अरे परी माता की खबर, आ आ। मरवा दोगे क्या? हार्ट अटैक हो जाएगा हमरा। चुप रह। सालों पहले गणेश जी ने दूध पिया था, आज मेरठ की अंतर्यामी परी माता ने भुट्टा खाया है। इसके बाद पूरे शहर में भुट्टे की दीवानगी डेंगू की बीमारी से भी तेज फैल गई है। जहाँ देखो वहाँ भुट्टा ही नजर आ रहा है। कल तक सेब संतरा आम बेचने वाले आज अपने ठेले पे भुट्टा बेच रहे हैं, तो जानते हैं उन्हीं से। हाँ तो फिर बताइए कैसे लग रहा है आपको? जब से परी माता ने भुट्टा चखा है तब से कोई और सामान खरीद ही नहीं रहा। पहले से 4 गुना ज्यादा कमाई हो रही है। तो बोलिए हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की। तो देखा आपने, लोग कितने खुश हैं, लोगों में कितना उत्साह है। इस उत्साह से मेरे भी मुंह से निकल रहा है, हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की। तो बहन जी आप हमें कुछ बताइए। अरे मैं तो पेट दर्द में डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी बहन जी ने बताया कि भुट्टा खाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो चमत्कार, सब कुछ ठीक हो गया। जय परी माता की। तो बहन जी आप हमें बताइए। मैंने तो सारी दवाइयाँ उठाकर फेंक दी, अब से सुबह शाम पानी के साथ दवाइयाँ नहीं भुट्टे खाया करूंगी। आप हमें बताइए। मेरे लड़के की शादी है, तो मैंने तो पहले ही बता दिया कि भाई बारातियों का स्वागत ना भुट्टे से ही होना चाहिए। तो बोलो हाथ उठाऊ परी माता की। तो देखा आपने लोगों में किस तरह का उत्साह है परी माता को लेकर।
इन बच्चों के स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, लेकिन जज असमंजस में है कि इनाम दे तो किसे दे, क्योंकि चिंटू, बंटी और बबली इन सभी ने बुट्टे की ड्रेस पहनी हुई है। तो देखा आपने, हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता का जादू किस तरह से फैल चुका है। अभी अभी खबर आई है, कुछ माँ बापों ने तो अपने बच्चों का नाम ही बुट्टा रख दिया है। सच में हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता का जादू अब परंपरा है। थैंक यू। तो मुझे लगता है मेरा ढपोल बेटा बुट्टा खा के ही पास होगा। मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खाइए और मेरे साथ बोलिए, हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की, हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की, हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की। माता मेरी एक समस्या है। हाँ, सेला आंटी, आ जाओ। माता, मेरी कमर में दर्द बहुत रहता है, इसका मुझे कुछ उपाय बता दो। अच्छा, कमर में दर्द, तो आप ऐसे कीजिए। कीजिए, जिनको जिनको दर्द है कीजिए। चलो चलो, करो करो, सब करो। एक हमारी भी समस्या है। कैटरी भैया, आ जाओ। आंटी, जाने दो। परी माता की। हमको ना नींद नहीं आती। तो आप ऐसे कीजिए। कैसे? लेकिन करते करते धीरे धीरे आंखें बंद कीजिएगा। ठीक। करिए। यही सो जाएगा क्या? नींद आ गई थी। परी माता की। माता, मुझे भी एक समस्या है। आप भी आ जाओ। माता जी, मैं गाड़ी कब लूं? अभी। हाँ। कैसे? ऐसे। गाड़ी सबके लिए गाड़ी है। रुको ना भाई, ठोक देगा क्या? चलो चलो। हाथ उठाओ अंतरिया में परी माता की। ये लो, हाँ, दो हार देना, दो हार। अरे एक मिनट। बोलो परी माता की। हाँ, जाओ। आराम से, सबको दर्शन मिलेगा, सबको मिलेगा दर्शन। हाँ, टूटाओ परी माता, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता, प्रणाम। अरे इतना तो सचिन तेंदुलकर का पोस्टर का लॉकेट ना बिका होगा जितना परी माता के नाम का बिक रहा है। लीजिए ना, सामान लीजिए लीजिए लीजिए। इस कप में कड़वी चाय भी मीठी हो जाती है। यहाँ के हर वस्तुओं में परी माता का आशीर्वाद है। लीजिए लीजिए। घड़े वाली माता प्रणाम। नहीं, घड़े वाली माता प्रणाम नहीं, अब हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता प्रणाम, और हम उनके परम सेवक प्रताप आलोक रंजन। दंत मंजन बना से? नहीं, अभी दंत मंजन नहीं बन रहा है परी माता के नाम से, लेकिन हाँ बहुत जल्द दंत मंजन, तेल, साबुन, घी, सब कुछ हर घर में उपलब्ध होगा परी माता के नाम से। हमने कहा आलोक रंजन नाम है हमारा। भाई, भगत हलवाई भेजा है क्या उधारी लेने के लिए? अब अच्छे दिन आ गए हैं, उससे कहिएगा सबका उधारी चुकता कर देंगे। नहीं, आप बात समझे नहीं। आइए बैठिए तो सही। आइए बैठिए। देखिए, बात ऐसी है, जैसे आप परी माता के परम भक्त या मैनेजर है, वैसे ही हम घड़े वाली माता के मैनेजर थे। हाँ, घड़े वाली माता का बहुत उपकार है।
उली का घड़ा परी माता पे पड़ा और वो परी जी से अंतर्यामी हाथ उठाऊ परी माता बन गई। और आप अकेले अकेले घड़े भरे जा रहे हो, ये जो खेल आप खेल रहे हैं ना, इस खेल में आप बहुत नए हैं। हमसे हाथ मिला लीजिए, हमें बहुत तजुर्बा है, साथ मिलके काम करेंगे ना, पार्टनर आधा आधा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ए गुरु, काय का पार्टनर? सासू माँ के राज में कंद मूल खा के जिंदगी जी रहे हैं। भगवान ने झोली में एक लड्डू दिया, वो भी तुम चाहते हो कि तुमको दे दें? सासू माँ के ताने सुन सुन के इतनी बुद्धि भ्रष्ट ना हो गई है? ज्यादा होशियारी ना जाड़ो। हमारी बात सुनिए, एक बार सोच ले। सोच लिए, अब तुम ज्यादा ना सोचो अलक निरंजन। नहीं, अलोक रंजन। हाँ, जो भी हो, ये माता का लॉकेट पहनो, अब प्रेम से बोलो हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की। सुनो, ये 500 रुपया भगत हलवाई को दे देना जाते हुए, कहना सब उधारी चुकता कर देंगे। सुनो, हम भी मेरठ का ही पानी पीते हैं, जहां मिनरल से जाता तजुर्बा बहता है। यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आ जाना माता का आशीर्वाद लेने कल। भोले, परेशान कर दिया इस हाथ उठाओ परी माता के टंटे ने, अब क्या आम इंसानों की तरह जीना ही छोड़ दे? नहीं नहीं चौकसी साहब, मैं साड़ियों के ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। अरे, हर साड़ी पे 500 रुपए परी माता की भेंट के नाम पे हम कैसे ले लें? नहीं नहीं, हम उतने ही पैसे लेंगे जितने बनते हैं जी। हे भगवान, हद पार होती जा रही है, हे भगवान। नहीं नहीं, सासू मां, दरबार का वक्त हो गया है, फिर से भक्तों की भीड़ लग जाएगी। नहीं नहीं, मैं भी देखती हूँ आज कैसे लगता है मेरे घर में दरबार। हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की, हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की, हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की, हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की। ए चुप करो, चुप करो और निकलो बाहर, आज यहाँ कोई दरबार नहीं लगेगा। हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की जय। सासू मां, आज परी माता का दरबार नहीं लगेगा, आज तो परी माता की सवारी निकलेगी। हे, परी माता आ गई। माँ, चलिए जगह दीजिए, हट जाइए, हट जाइए। माँ, आई माता, बलो हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की जय। बलो 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 नहीं, बलो बलो नहीं, बलो 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 नहीं। जीजे, कहाँ सवारी? यथार्थ प्राणनाथ, आगामी कथन भविष्य वक्ता परी बहन स्वरूपी माता की भक्त गणों की प्रशंसा कार्यवंत यात्रा। देखो कितना बड़ा सवारी है। नहीं नहीं कन्हैया जी, परी बहन माता के लिए भक्तों की सवारी कह रही है दीदी। हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की। बोलो 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 नहीं, बोलो 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 नहीं, बोलो 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 नहीं। ठीक करा दो बोलिया ना, ठीक करा दो परी माता,
यह आदमी बहुत बीमार है। परी माता, अगर आप इसके सर पे हाथ फेर देंगी तो यह ठीक हो जाएगा। परी माता, मेरे शरीर में बहुत तकलीफ है। तकलीफ है परी माता? आप हो जाइए ठीक, ठीक, ठीक। परी माता फूट जाएगा? सर नहीं, शीशा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बोलो अंतरिया में परी माता की, बोलो अंतरिया में परी माता की, बोलो अंतरिया में परी माता की। बोले थे ना कि परी माता का परम भक्त सिर्फ हम हैं, इसमें हमको कोई बिजनेस पार्टनर ना चाहिए। बोलो हाथ उठाओ अंतरिया में परी माता की, बोलो अंतरिया में परी माता की, बोलो अंतरिया में परी माता की। पानी का बोतल देना है, पानी की बोतल दे दो। अच्छा था ना? अबे इतना ओवर एक्टिंग काहे करता है बे? आपकी नाटक कंपनी से काम कर रहे हैं। निकलो 500 रुपए। 1, 2, 3, 4 ये लो। 400? हाँ तो 100 रुपए का आशीर्वाद लिया ना। लाओ इधर। हाँ, ये GST है। बोला हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की। भगवान, पहले घर में सवा, अब मेरठ में सवारी, क्या क्या चल क्या रहा है ये सब? लल्ला, तू किराए का एक कमरा देख के रख ले, घर को तो ये लोग आश्रम बना के ही छोड़ेंगे। हाथ उठाओ परी माता प्रणाम। मैया, ग्राहक है। हाँ परी माता प्रणाम। नहीं नहीं बहन जी, ठीक से बोलिए, तभी तो माता की मेहर बनेगी। हाथ उठाओ परी माता प्रणाम। हाँ हाथ उठाओ परी माता प्रणाम। बैठिए, बताइए कौन सी साड़ी दिखाऊं? वो हरी वाली। हाथ उठाओ अंतरिया में परी माता की। अम्मा जी, हाथ उठाओ परी माता प्रणाम। हाँ हाथ उठाओ परी माता प्रणाम। माँ जी, भैया, भाभी, आज परी माता ने ना चमत्कार करके दिखाया। एक बुजुर्ग आदमी लंगड़ाते लंगड़ाते परी माता के पास आया। माता ने उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के कहा, ठीक ठीक ठीक, आदमी ठीक हो गया। क्या, हाथ रखते ही ठीक हो गया? हाँ भाभी। इसे कैसे हो गया? हाँ माता ने तो आज चमत्कार ही कर दिया है। और पता है, कल लाल चौक के बड़े मैदान में ना माता का दरबार लगने वाला है। लाल चौक के मैदान में? हाँ भैया, वो माता की सवारी के दौरान ना जीजे ने पूरे मेरठ वासियों को आमंत्रित किया है। पता है भैया, बहुत दूर दूर से भक्त आएंगे। हाँ हाँ, हमारी ननंद भी अपने पूरे परिवार के साथ बुलंदशहर से आ रही है। है तो बोलो हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की। कहाँ जा रहा है? ग्राहकों को साड़ी दिखाना। भैया, माता की सवारी चल रही है, हम भी चलते हैं। भैया, हाथ उठाओ अंतर्यामी परी माता की। अंतर्यामी परी माता की। लाल चौक मैदान।